हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आनंद सिंह। स्वागत है आपके अपने चैनल आजमगढ़ लव बर्ड में। ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट हो गया है। मैंने लव बर्ड और बजड़ी की मटकी टांग दी है, लेकिन जावा और फिंच की मटकी वीडियो में देख रहे हैं मैंने सेट कर ली है। थोड़ा मोड़ा घास इसमें जो है कि डाल दिया है ताकि उनको नेस्ट बनाने में आसानी हो। बजड़ी बिना नेस्ट के ब्रीड कर सकती हैं, लेकिन जावा और फिंच के लिए नेस्टिंग मटेरियल देना बहुत ज़रूरी होता है। ये मेरा सेटअप है, फिंच का ऊपर है, नीचे जावा का है। अधिक गर्मी के कारण सब मटकी उतर ली गई थी अप्रैल में ही। आज जुलाई 10 है, अब से जो है कि ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट हो गया है, मौसम भी नॉर्मल हो गया है। इनका नेस्टिंग मटेरियल के साथ इनको आज मटकी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। नेस्टिंग मटेरियल देना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि ये ब्रीड के साथ साथ हमेशा घोंसला बनाती रहती हैं। एक अंडा ले हो गया, बच्चा निकल गया, उसके ऊपर फिर से नेस्टिंग कर देती हैं, फिर से अंडा ले करती हैं। ये सिलसिला इनका बारह मास चलता रहता है। सॉफ्ट फूड के हवाले से बात करें तो सॉफ्ट फूड में इनको आप गेहूँ, चना, बाजरा, जौ, मूंग, उड़द, इन सब की दाल जो है भिगो के थोड़ा मिक्सर में एक बार राउंड करके इनको दे सकते हैं। बड़े चाव से खाती हैं। हफ्ते में एक बार या दो बार अंडा दे सकते हैं, एक दो बार चावल ले सकते हैं, और इतना देने से ये बच्चे बहुत अच्छे से पालती हैं। नहीं तो होता क्या है कि साफ फूड ना देने से ब्रीडिंग में बच्चों की कमी होने लगती है। वीडियो में आप देख रहे हैं मैंने 20 मटकी लगा दी है। वैसे तो मेरे पास कम से कम 30 से 35 पेयर हैं। मटकी कम है, छोटी साइज वाली मटकी जैसे पूरी होती है, मैं जो है कि और 10 मटकी इसमें ऐड करूंगा। जब ये अंडा ले करती हैं तो अंडे में से बच्चे होने का समय 15 दिन का होता है, यानी 15 दिन में ये अंडे से बच्चे बाहर निकल जाते हैं और 15 दिन में वो बच्चे सेल्फ फीड हो जाते हैं। फिंच को मल्टीविटामिन और कैल्शियम का कोर्स करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये हर महीने ब्रीड करते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि ब्रीड होने के बाद या अंडे देने से पहले 3 से 4 दिन कैल्शियम का कोर्स ज़रूर करवा दें। पिछले वीडियो में बताया भी है कि कैल्शियम का कोर्स कैसे करवाना है। कैल्शियम के साथ साथ मल्टीविटामिन का भी कोर्स कराना होता है। जब अंडे में से बच्चे बाहर हो जाएं तो कुछ दिन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का प्रयोग ज़रूर करें। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स 4 ml 1 लीटर पानी में या एक ml 250 ml पानी में आप अपने बर्ड्स को प्रोवाइड कर सकते हैं 3 से 4 दिन। वो क्या काम करता है, वो बच्चों की भूख बढ़ाता है, जिससे बच्चे कम मरते हैं और बच्चे हेल्दी भी रहते हैं। इसके साथ साथ इनके केज में कैल्शियम ब्लॉक बनाकर रखें। अगले वीडियो में हम कैल्शियम ब्लॉक कैसे बनाएं वो बताएंगे आपको। कैल्शियम ब्लॉक के साथ साथ समुद्री झाग या समुद्री फेना बोलते हैं कहीं कहीं, उसको टांगे रखें। काला नमक रखें या लाल नमक रखें। बस वाइट जावा के भी कॉलोनी हैं, वीडियो में आप देख रहे हैं। इसमें करीब 8 पेयर हैं। 8 पेयर में 5 पेयर 6 पेयर फुल तैयार हैं, बाकी जो है कि इनका भी समय नहीं हुआ। ये 8 मंथ बाद ब्रीड के लिए तैयार होते हैं। अभी 2-3 पेयर ऐसे हैं जो पूरी फुल्ली रूप से तैयार नहीं हैं। जिस तरह फिंच के केज में कैल्शियम ब्लॉक, नमक और समुद्री फेना ज़रूरत होता है, उसी तरह जावा में भी ये सब चीज़ें रहनी चाहिए। और एक बात, जावा धान बड़े मन से खाती हैं, इसलिए हमको इनके केज में धान हमेशा रखना चाहिए। सब बर्ड्स की तरह इनको भी सॉफ्ट फूड की बहुत ज़रूरत होती है। कैल्शियम मल्टीविटामिन का कोर्स इनको भी करना चाहिए। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरा फिंच और जावा का सेटअप कैसा है। यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।